सो हाय एवरीवन जी, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी आज बात करूंगा नई वैकेंसीज की। बहुत सारी वैकेंसीज मैं आपको अपडेट करता रहता हूं। जो जो वैकेंसीज मेरे पास आती हैं मैं सिस्टमेटिकली आपको शेयर करता रहता हूं। और सबसे बड़ी बात, जो वैकेंसीज मैं आपको बताता हूं, इन वैकेंसीज के लिए मैं किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लेता हूं। ये सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं, ताकि मेरे सभी भाई बहन दोस्त इस देश में बेरोजगार ना हो, उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिले। और जो वैकेंसीज मैं आपको अपडेट करता हूं, इन वैकेंसीज की प्रॉपर इंफॉर्मेशन मैं टेलीग्राम पर भी अपडेट करता रहता हूं। टेलीग्राम में आप हमारे चैनल पर जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा होता है। जब आप उस चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सारी वैकेंसीज भी दिखती हैं, उनकी ईमेल आईडीज के साथ दिखती हैं। आप उन ईमेल आईडीज पर अपना सीवी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपना अच्छा सा कवर लेटर उठा करके उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। और एक और चीज के लिए मैं आपको जरूर चौकन्ना करूंगा कि जिंदगी में कभी भी आपको कोई भी इस तरह का कंसल्टेंट मिल रहा है कि मैं आपसे एडवांस पैसे लूंगा और आपको जॉब लगवा दूंगा, तो प्लीज थोड़ा सा चुकन्ना, सावधानी, ताकि आपका पैसा खराब ना हो। आप वो करें जो आप करना चाहते हैं, आप वो मत करें जो दुनिया आपसे कराना चाहती है। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि आप इतना इतना पैसा एडवांस में देकर के आ जाते हैं, उसके बावजूद आपकी नौकरी नहीं लगती है। और अगर लगती भी है तो ऐसी जो आप करना ही नहीं चाहते। बनना क्या चाहते हैं, बना क्या दिए जाते हैं, इसीलिए थोड़ी सी सावधानी। तो चलिए जी, ज्यादा लंबा ना खींचता हुआ आज की वैकेंसी स्टार्ट करते हैं। तो आज की वैकेंसीज रहेंगी नैना देवी की। मेरे जो भी भाई बहन दोस्त नैना देवी में रहते हैं, उन सब के लिए आज की ऑप्शंस रहेंगी। हिमाचल प्रदेश में हमें एक स्कूल में मैथ्स टीचर चाहिए। एमएससी इन मैथ्स आपने कर रखा हो, टाइमिंग्स और सैलरी दोनों आपके साथ मौके पर ही डिस्कस की जाएंगी। उसके बाद हमें एक फॉर्म में सॉफ्ट स्किल ट्रेनर चाहिए, एक इंस्टीट्यूट में सॉफ्ट स्किल ट्रेनर चाहिए। फीमेल कैंडिडेट होना चाहिए, फ्रेशर हो तो अप्लाई कर सकते हो, पर आपको नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। बात करूं अगर मैं टाइमिंग्स की, तो 9 to 4 की टाइमिंग्स रहेंगी। सैलरी की अगर मैं बात करूं, तो सैलरी आपको यहां पर कम से कम 22,000 पर मंथ प्लस मिल जाएगी। उसके बाद हमें एक फॉर्म में रिसेप्शनिस्ट चाहिए, फीमेल कैंडिडेट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन कम से कम कर रखी हो। आपके टाइमिंग्स जो हैं वो 9 to 6 की रहेंगे। सैलरी जो है आपको यहां पर 13,000 पर मंथ प्लस मिल जाएगी। उसके बाद हमें एक फॉर्म में टेलीकॉलर चाहिए, मेल फीमेल कैंडिडेट कोई भी हो दोनों चल जाएंगे, पर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा, आपके टेलीफोनिक स्किल्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए। टाइमिंग्स 9 to 6 की रहेंगी। सैलरी जो है वो आपको यहां पर अप्रॉक्सीमेट आप लगा के चलो 15,000 प्लस इंसेंटिव मिल जाएगा। इसी तरह से एक कंप्यूटर टाइपिस्ट चाहिए इंग्लिश में, मेल फीमेल कोई भी हो, वर्क फ्रॉम होम है, कहीं आना नहीं कहीं जाना नहीं, 8 आवर्स की आपकी जॉब रहेगी, प्रोजेक्ट बेस्ड एक तरह से आपका काम रहेगा। सैलरी 7,000 पर मंथ प्लस मिल जाएगी। तो ये थी जी आज की कुछ वैकेंसीज। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज हैं, तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप मेरे से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज नहीं है, तो प्लीज इन वैकेंसीज को आगे शेयर करना मत भूलिएगा। आपके शेयर से किसी की जिंदगी बन सकती है, किसी को रोजगार मिल सकता है। थैंक यू सो मच गाइस, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।